अल्कोहल इज गुड फॉर हेल्थ, वो किया है कभी ट्राई? जाएगा ना? हाँ नहीं करा ट्राई <नहीं करा, laughs> अगर अगर वो कोई नहीं जाएगा तो हा? अगर वो तब भी नहीं जय श्री राम, मेरा नाम संदर्भ है। आज हमारा टॉपिक है एग्जामिनेशन। जैसा आपको पता चल रहा है कि इस बार का आजकल बोर्ड के एग्जामिनेशन चल रहे हैं और बहुत डर का माहौल चल रहा है। इस डर के माहौल को हम थोड़ा कम करने के लिए हमारा इस बार टॉपिक है एग्जामिनेशन, और हम आपको बताने वाले हैं एग्जामिनेशन में कैसे कैसे चीटिंग होती है और कैसे कैसे तरीके लोग अपनाते हैं एग्जामिनेशन में पास होने के लिए। आइए चलते हैं। मैंने चीटिंग नहीं की है, बट हाँ जो चिट लेके आता था हाँ तो उससे मैं बोल देती थी बहन दिखा देना, नहीं तो मैं तेरा नाम बता दूंगी। कुछ नहीं, पंखे चला रहा था, यूएफएम लग गई भैया, कॉलेज वाले को मत दिखा दे नहीं खुद के लिए बचता ही नहीं था कभी खुद के लिए पैसा बचा नहीं तो दूसरे वो हर की जैसे भगवान पास करा दोगे तो 11 रुपए का कपूर जला दूंगा। बस 11 रुपए का? हाँ बजट अपना कम रहता है। अच्छा अच्छा हाँ। भगवान को हाँ। ऐसा कौन सा एग्जाम है जिसमें नहीं किया? क्या पूछेगा? कौन कौन से भगवान को याद किया? कौन कौन से भगवान को याद किया? सबसे पहले मैंने याद किया गणेश जी को। अच्छा फिर उसके बाद शंकर जी को भी याद किया है उसके बाद। अच्छा अच्छा, कभी आप फेल हुए एग्जामिनेशन में? अब तक हाँ। तो नहीं मैं तो हाँ। हाँ। एक बार कौन से एग्जामिनेशन में फेल हुए? वो मेरे बोर्ड के एग्जाम्स थे, उस बार पास होने का मन नहीं था कि एक साल मिल जाएगा चलो अच्छा। फेल हो जाते हैं। हाँ यार बहुत बार करा है। एक बार तो किया है जब टीचर आगे से आया था और फल पे थे नीचे। एक बार मैंने सीट के अंदर फर्रे डाला हुआ था तो फ्लाइंग स्क्वाड आ गई थी, 6-7 टीचर थे, तब मैंने भगवान को याद कर हनुमान जी को। अच्छा आपने? हमने भी मतलब भोलेनाथ को। भोलेनाथ को याद किया? मैंने तो एनसीएस सीट तक पास कर दिया। छीना है? छीना है? छीन नहीं लिया? हाँ। क्यों दे नहीं रहा था वो? नहीं कोई दे ही नहीं रहा था। हाँ फिर क्या किया? उसके टेबल से उठा के छीन लिया? नहीं वो हाँ। आगे बैठी हुई थी लड़की ना। अच्छा, लड़की से छीना भाई? हाँ मैं हर बार उसको तुक्के में भरता हूँ। कैसे टुक्के में भरते हो आप? अरे कि चलो इसका ये हो जाएगा, नहीं तो पेंसिल में घुमा दिया, ये नंबर आ गया तो ये डाल देते हैं, चलो कोई नहीं। जैसे कि ये बिल्कुल समझ में नहीं आता, वो होता जय माता दी, ए वो किया आपने जय माता दी? अकड़ बकड़ करते थे हम लोग। अच्छा अकड़ बकड़ करते थे ओके, हम लोग अकड़ बकड़ लगा देते थे। अच्छा कभी आपने एग्जामिनेशन में चीटिंग की है? नहीं सर कभी नहीं की। नहीं कसम से नहीं की। हाँ, कसम से नहीं की, लेकिन मेरी फ्रेंड ने कभी है। हाँ। कौन फ्रेंड? ये वाली फ्रेंड? वाली फ्रेंड अच्छा कभी एग्जामिनेशन में चिट ले गए कभी पेपर होता जो? एक बार ले गए। पकड़े गए? हाँ इसीलिए होता कहते पकड़े गए इनफैक्ट पीछे जो बंदा बैठा था भाई वो उसको पास कर रहा था। अच्छा हम दोनों को पकड़ लिया था। अच्छा फिर कुछ एक्शन नहीं लिया गया, कुछ नहीं लिया। अच्छा आपकी दाढ़ी देख के डर गए थे लोग क्या? दाढ़ी नहीं थी उस टाइम में। दाढ़ी नहीं थी। बहुत बार, हमेशा हर एग्जाम चीटिंग करके पास किए हैं। अच्छा हर एग्जाम चीटिंग करके लगभग। हाँ कभी आपने वो चिट ले गए हो साथ में जो पेपर ले जाते हैं? नहीं मैं दूसरे को दे देता था, उससे मैं लेता था, मैं खुद नहीं रखता था। कभी आपने भगवान को लालच दी है? नहीं। हाँ। हाँ? ये अच्छा था। कैसे लालच दिए? भगवान पास हो गए तो मंदिर आके प्रसाद चढ़ाएंगे। कितने का प्रसाद चढ़ाएंगे? वो भी होता था का, 101 का, 501 का। ये एक का क्या फंडा होता है मुझे समझ में नहीं आया उस तक। वो तो शगुन का होता है ना, मम्मी लोग बोलते शगुन है। हाँ। हम भी मान गए। वो पीछे देख रहे, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम भी शगुन है, पता है तुम्हें? ज्यादा शगुन वो ओमर शीट होती है जिसमें ABCD लगाते हैं। आपने वो कैसे भरी होगी? कभी आपको नहीं आता होगा तो कैसे किया होगा आपने? थोड़ी सी हिम्मत करके अपनी ओमर शीट चेंज कर ली अपने फ्रेंड से जिसको ज्यादा आता था। ओमर शीट चेंज आपने कुछ किया? भाई आप बहुत शरीफ हो पता है आपको, आपने कुछ कभी चीटिंग नहीं की? इसने क्या बोलना है, वो स्कूल गया। हाँ। मैडम ने मारा बहुत। अच्छा इसने तो जाना स्कूल ही नहीं गए। अच्छा फर्रे चलाना फर्रे चलाना अच्छा वो जो चिट को फर्रे कहते हैं। हाँ। ओके अच्छा आप बेसिकली यहीं से बिलोंग करते हो? यूपी सहारनपुर से। ओके आप वहाँ से घूमने आए हैं? हाँ जी मैं एग्जाम देने के लिए आई हूँ। आज आपके एग्जाम है? आपने भगवान को सुबह सुबह कौन से भगवान को याद किया था? शिवजी तो सभी को यही सजेशन है जिसको भी चीट करनी हो खुल के लिखो पेंसिल से दबा के और उसके बाद बस कर्टेंस को देख लेना, कर्टेंस का रिफ्लेक्शन आना चाहिए बस। अच्छा ओके कभी आपने किसी भगवान को याद किया है पेपर के टाइम पे? Obviously, वो तो सबको याद आते हैं उस टाइम तो आते ही आते हैं। अच्छा MCQ टाइम MCQ टाइप में कैसे किया है
आग बन गया हाँ। जय श्री राम टिक जिस पे लग गया वही सही है बस। अच्छा क्या जय श्री राम जिस पे लग गया टिक ओके सही होता है वो। अच्छा सही होता है भाई देखो सच्ची में मैंने टैटू भी इसी बात का बनाया क्योंकि जय श्री राम में सच होता है। हम फर्रे से अच्छी चीज लेके जाते क्या लेके जाते थे भाई हम बी कॉपी चुरा लाते थे। अच्छा जो प्रिंट करते थे आपके रिश्तेदार लगता था नहीं पैसे कुछ पैसे कुछ पैसे अभी जब आता नहीं है तो फिर यही करना पड़ता है काउंट करके मैंने किया है क्या किया है मतलब ऐसी मतलब कोई भी रैंडमली नंबर सेलेक्ट करके या इसके अकॉर्डिंग ऐसे कर लिया क्योंकि मतलब जब नहीं आ रहा होता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तब ऐसे कर लेते हैं। आपने मेरे पापा मैंने रिश्वत दी है मेरी तरफ से क्या दिए कैसे मैं 50 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा मेरी वीडियो पास हो गई तो 50 रुपए का 50 रुपए में पता है एक भूखे आदमी का पेट भर सकता है मतलब मेरा मैं हूं ना भूखी अच्छा मेरा पेट भरता था उस प्रसाद से।